इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सिंघानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है पॉइंटर अरिथमेटिक। दोस्तों, पॉइंटर अरिथमेटिक का सिंपली मतलब यह होता है कि पॉइंटर के साथ कौन कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पॉइंटर के साथ जो अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं वो सब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इस टाइप के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे पॉइंटर के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन कर सकते हैं और इसका यूज करके कैसे हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल ले लेता हूँ ए, जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 10। उसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, एक पॉइंटर बनाता हूँ जिसका नाम है पी, और पी में क्या पास कर देता हूँ दोस्तों, मैं नॉर्मल वेरिएबल ए का एड्रेस। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, पी का एड्रेस प्रिंट कर देता हूँ जो करेंट उसका एड्रेस है। इसके बाद देख सकते हैं इसका दोस्तों रन करके कि इसका करेंट एड्रेस कितना प्रिंट हो रहा है, 6487620। इसके बाद दोस्तों इसके साथ हम इंक्रीमेंट करते हैं, पी प्लस प्लस कर दिया मैंने, पी को इंक्रीमेंट कर दिया एक से। दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर के बारे में। दोस्तों, प्लस प्लस मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट बाई वन, और माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट बाई वन। दोस्तों, इंक्रीमेंट बाई वन का मतलब हुआ कि प्लस प्लस जिस वेरिएबल के साथ लगा रहता है उसकी वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हो जाती है, और माइनस माइनस लगी रहती है तो उसकी वैल्यू एक से डिक्रीमेंट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब ये ऑपरेटर पॉइंटर के साथ अप्लाई होते हैं तो इनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है, वो देख लीजिए, मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करने के बाद दोस्तों हम इसका न्यू एड्रेस प्रिंट कर देते हैं और देखते हैं कितना आता है। न्यू एड्रेस, यहाँ पे पुराना वाला एड्रेस दोस्तों पहले प्रिंट करके देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है, 6487620। और दोस्तों, न्यू एड्रेस में पहले से ही आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितना आएगा। उसके लिए एक फार्मूला होता है, इसका एड्रेस कितना आया था दोस्तों अभी, 6487620 ये आया था दोस्तों करेंट एड्रेस। देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला होता है, न्यू एड्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, करेंट एड्रेस प्लस नंबर, मतलब कितने नंबर से आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। तो करेंट एड्रेस अपना है 6487620, प्लस कर दीजिए, कितने से इंक्रीमेंट कर रहे हैं दोस्तों, प्लस प्लस मतलब एक से, तो यहाँ पे वन लिख दीजिए, इनटू का साइन लगा दीजिए, साइज ऑफ डेटा टाइप। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, हमने यहाँ पे जो पॉइंटर का जो डेटा टाइप दिया है वो है इंटीजर, और इंटीजर की जो साइज होती है वो दो होती है, एक 2 बाइट होती है, एक 4 बाइट होती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीजर की साइज होती है 2 बाइट, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होती है वो होती है 4 बाइट। तो दोस्तों, ये मेरा सिस्टम जो है न्यू सिस्टम है और ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसमें इंटीजर की साइज कितनी है, 4 बाइट है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6487624। तो देख लीजिए दोस्तों, जो न्यू एड्रेस आएगा वो आएगा 648724। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया दोस्तों 6487624। अब चलिए इसका और भी कुछ अलग देख लेते हैं फॉर्मेट में, पी इक्वस टू पी प्लस 4। दोस्तों, मतलब मैंने पॉइंटर को कितने से इंक्रीमेंट कर दिया, 4 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब क्या आ जाएगा वो भी कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे बेस एड्रेस तो वही है 6487620, प्लस कितने से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 4 से, तो यहाँ पे 4 इंटू इंटीजर की साइज सिस्टम में कितनी है, 4 है। तो अब की बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 20 में जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6487636, तो ये आना चाहिए दोस्तों न्यू एड्रेस। चलिए चला के चेक कर लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही है कि गलत है। तो दोस्तों, आप यहां से देख सकते हैं हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देख सकते हैं, जहां प्लस प्लस हमने अप्लाई किया था वहां पे मैंने माइनस माइनस कर दिया, मतलब एक से हम घटा रहे हैं। तो अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसी फार्मूले के अनुसार, जहाँ पर बस प्लस था वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, माइनस। तो करेंट एड्रेस तो वही है अभी हमारा, 6487620, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, अभी हम एक से घटा रहे हैं तो 1 इंटू 4। दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 6487640
4 कट जाएगा तो 116 हो जाएगा। तो हम चेक कर सकते हैं दोस्तों ये कैलकुलेशन सही है कि गलत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6487616 आ चुका है। एक दूसरा ऑपरेशन भी देख लेते हैं हम, पी इक्वल्स टू पी माइनस 5। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर को 5 से मैं घटा रहा हूँ, मतलब 5 से डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो फिर इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम, करेंट एड्रेस 6487620 माइनस कितने से घटा रहे हैं दोस्तों हम, 5 से घटा रहे हैं, तो 5 इंटू इंटीजर की साइज कितनी है हमारे सिस्टम में, 4 है। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपकी बार, 6487620 2 नहीं आएगा दोस्तों, 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 5 × 4 = 20 हो जाएगा, तो 20 घट जाएगा, तो आ जाएगा 6487600। तो यहाँ पे चला के चेक कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। बस उस फॉर्मूले को आप लिख लेना कॉपी में, तो उससे आप कोई भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूज एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं। यहाँ पे एरे का नाम देता हूँ मैं AR, उसकी साइज देता हूँ मैं 5, और यहाँ पे 5 वैल्यू देता हूँ 10, 20, 60 एंड 40। दोस्तों इतना करने के बाद क्या होता है, एक मेमोरी ब्लॉक बनती है। चलिए सबसे पहले मैं इसको मैं आपको ब्लॉक डायग्राम से समझाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्या है, साइज है इसकी, तो 5 ब्लॉक बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बना दिया, यहाँ पे 5 ब्लॉक बनेगा। यहाँ पे 5 ब्लॉक में सबसे पहले वाले ब्लॉक में वैल्यू कितनी रहेगी, 10, सेकेंड में 20, थर्ड में 50, फोर्थ में 60 एंड फिफ्थ में 40। दोस्तों एरे की इंडेक्सिंग क्या स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगी। दोस्तों एक्चुअली एरे इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है, उसमें आपको कंप्लीट समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एरे का यूज पॉइंटर के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि पॉइंटर के साथ कैसे यूज करते हैं वो बताना यहाँ पे ज़रूरी है। और दोस्तों हर मेमोरी ब्लॉक का क्या होता है, कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देख लीजिए यहाँ पे एड्रेस का, हर ब्लॉक का ये एड्रेस होता है। तो चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एरे के एलिमेंट को हम इंडेक्सिंग का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 4 तक, तो आई वस्तु क्या देते हैं 0, कंडीशन कहाँ तक जाएगा 4 तक, और आई को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम सिंपली परसेंट डी स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे AR ऑफ आई लिख देंगे, तो एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। चलिए मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों सारे एरे के एलिमेंट क्या हो गए हैं, प्रिंट हो चुके हैं। अब चलिए इसके बाद हम उस एरे के मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस प्रिंट कर लेते हैं। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, किसी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस निकालना है या किसी वेरिएबल का एड्रेस निकालना है, तो उसके पहले जस्ट एक सिंबल लगा दीजिए M% का, तो उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस हमको मिल जाता है। यहाँ पर एड्रेस निकालना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसी एड्रेस को हम पॉइंटर में पास करेंगे और उसका यूज करके एरे के एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो चुका है मेमोरी ब्लॉक का। मैं यहाँ पे आपको ब्लॉक एड्रेस से मैच करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो चुका है। अब इसी एड्रेस को दोस्तों हम पास करेंगे पॉइंटर में, उसका यूज करके एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पॉइंटर का यूज करके कैसे किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते जाइए, हम यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे पी, कुछ भी ले सकते हैं पी के जगह आप। पी में मैंने क्या पास कर दिया, एरे। दोस्तों ये लाइन यदि आप समझ गए तो सारे एरे के एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों इसमें आप समझिए, जब भी किसी एरे को हम बिना इंडेक्सिंग के यूज करते हैं तो हमेशा अपने फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस देता है। दोस्तों मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, जब भी किसी एरे को हम बिना इंडेक्सिंग के यूज करते हैं तो वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, अपने फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं एरे को बिना इंडेक्सिंग के पहले प्रिंट करता हूँ, तो देख लीजिएगा दोस्तों ये हमेशा अपने फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस प्रिंट करेगा। पहले इसके ब्लॉक डायग्राम में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इसका एड्रेस कितना है, 6487600। दोस्तों इसको नेट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो आप उससे मैच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे क्या रिटर्न कर रहा है, हमेशा अपने फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। इस एड्रेस को हमने कहाँ पे पास कर दिया दोस्तों, अपने पॉइंटर में। तो हम अपने पॉइंटर को प्रिंट करके देख सकते हैं, तो हमारे पॉइंटर में अभी क्या पास हो चुका है, एरे के फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। बस अब एरे का फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस हमारे पास कहाँ पे आ चुका है, पी में, तो उसकी वैल्यू प्रिंट करना है। तो अपन क्या लगा देंगे, इसमें स्टार लगा देंगे। दोस्तों मैं स्टार पढ़ा चुका हूँ, उसका क्या होता है वैल्यू एट, तो क्या आ जाएगा हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। बस दोस्तों इतना समझ गया तो बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएगी। बस अब इसी लाइन का यूज करके हम सारे एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। देखते जाइए कैसे कर दे रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट प्रिंट हो रहा है। सेकंड एलिमेंट प्रिंट करने के लिए सिर्फ क्या करते जाइए, P+1 कर दीजिएगा तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। देख लीजिए इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ,
ये सेकेंड एलिमेंट प्रिंट हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1020 एक साथ प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लैश एन नहीं दिया है, यहाँ भी स्लैश एन दे देते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट प्रिंट हो गया। उसी तरीके से हम क्या कर देते हैं, यदि थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है तो पी प्लस टू कर देंगे, फोर्थ एलिमेंट प्रिंट करना है तो दोस्तों क्या कर देंगे हम पी प्लस थ्री कर देंगे, और लास्ट वाला जो फिफ्थ एलिमेंट प्रिंट करना है तो दोस्तों हम क्या कर देंगे P+4 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पॉइंटर का यूज करके हमने सारे एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर दिया दोस्त, मतलब दोस्तों लूप का भी यूज करके हम सारे एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, इतनी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप देख लीजिए लूप कहाँ से कहाँ तक चलाइएगा, आप इंट आई इक्वस टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगा, फोर तक जाएगा, आई प्लस प्लस, यहाँ पर पांच एलिमेंट है इसीलिए हम जीरो से लेकर फोर तक लूप चला रहे हैं। यदि 10 एलिमेंट रहता तो जीरो से लेकर 9 तक लूप चलाएंगे, यदि 20 रहेगा तो जीरो से लेकर 19 तक लूप चलाएंगे। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पांच लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लूप का यूज़ करके इसके अंदर एक लाइन लिखिएगा तो भी सारे एलिमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं पॉइंटर का यूज़ करके। यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर आप स्टार यूज कीजिए और इसके अंदर लिख दीजिए पी प्लस आई। तो दोस्तों इसका यूज करके आप इतनी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर लूप का यूज़ करके भी सारे एरे के एलिमेंट को आप पॉइंटर द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी ऐसा पॉइंट है जो इस वीडियो में आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।